अब ये तो पता नहीं कि भैया एनडीए को अगर हम होते तो इतना वोट आता नहीं आता, पर मुझे ये बताया ना कि क्या महागठबंधन को सही मायनों में पूरा वोट मिला? भाई 2020 में भी जब मोकामा में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी तो अनंत सिंह जी को इतना ही वोट आया था, नीतीश कुमार जी का वोट गया कहाँ? बताएं ना नीतीश कुमार जी, पिछली बार जब मोकामा में ये लड़े थे 2020 में तो उस वक्त इनको और भाजपा को मिला के 40,000 के करीब वोट आया था। तो भाई वो 40,000 वोट तो प्लस होना, चलिए मान लीजिए उसमें भाजपा का भी वोट था, 20,000 वोट प्लस होता इनका। पर पिछली बार 2020 में 78,000 वोट आया, इस बार 79,000 वोट आया, मात्र 1,000 वोट से ज़्यादा भी इनका वोट नहीं बढ़ा। तो भाई गया कहाँ नीतीश कुमार जी का वोट? तो ये अपने में दर्शाता है कि आज की तारीख में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कोई फैक्टर रहे नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं और ये दोनों जगह चुनाव में दिखा। भाई महागठबंधन की ये जीत नहीं है, ये मोकामा वाली, ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर अनंत सिंह जी की अपनी जीत है। उनका एक अपना प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है, भैया वो अकेले भी लड़ लड़ के जीतते रहे वहाँ से, तो उनका एक अपना प्रभाव रहा है। जहाँ पे इनको प्रभाव दिखाना था गोपालगंज में, वहाँ पे इनकी हार हुई है। भाई वहाँ पे भी हम लोग का समर्थन रहेगा एनडीए को पूरी तरीके से। भाई मुख्यमंत्री जी कहते क्या हैं करते क्या हैं, ये उनकी सोच और उनकी कार्यशैली में हमेशा से हम लोगों को एक मतभेद देखने को मिला है। पहली बात EWS को लेकर हम लोग शुरू से हम लोग कहते रहे थे कि भैया जो आर्थिक तौर पर ऐसे लोग जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं पर आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उन लोगों का मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने समर्थन किया था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जो, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोगों की पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो आज से नहीं लंबे समय से इसकी मांग करती आई है, और हम लोगों ने इस बात को भी संदेह हम लोगों ने हमेशा जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में इस विषय को उलझाया जाएगा, नौवीं सूची में इस विषय को डालने की मांग हम लोगों ने पहले भी की थी, हम लोग आज भी करते हैं कि भविष्य में भी कहीं कोई इसके ऊपर इसको लेकर आगे पीछे कोर्ट कचहरी में इस मामले को करने का प्रयास ना करें। जहां तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो भैया आपके पास तो आपका राज्य है, आप करके दिखाइए जो आप सोचते हैं। तो भाई ये मांग तो पहले भी उन्होंने की थी, गए थे वो प्रधानमंत्री जी से मिलने, आप बिहार में तो करवाइए मुख्यमंत्री जी जहाँ पर आपकी सरकार है। अगर आप इतना ही आप इस विषय को अगर आप मानते हैं तो इसमें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मत कीजिए, बिहार में आप करके दिखाइए ना पहले, हम लोग समर्थन करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।